गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आपके हिंदी टीचर। बच्चों, आज आपके वीडियो का विषय है अवाच्य। आपकी पाठ पुस्तक भाषा अधिगम के पाठ 15 से वाच्य नामक विषय में आपको आज जानकारी देंगे। वाच्य का मतलब होता है वॉइस, इंग्लिश में आप इसे कहते हैं। इसकी परिभाषा है, क्रिया के जिस रूप से, यानी क्रिया के जिस रूप से यह पता चले या यह ज्ञात हो या यह जानकारी मिले, उसे चलाने वाला कर्ता है या कर्म है या भाव है। ध्यान से सुनिए, क्रिया के ऐसे रूप से जिससे यह जानकारी प्राप्त हो कि क्रिया को चलाने वाला कर्ता है, कर्म है या भाव है, तो उसे हम वाच्य के नाम से जानते हैं या उसे ही वाच्य कहते हैं। वाच्य के मुख्य रूप से तीन भेद हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है एवं कर्ता के अनुसार ही क्रिया का रूप परिवर्तित होता रहता है और इसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे राम ने खाना खाया, राम करता है, कर्ता की लिंग पुल्लिंग है तो वहाँ खाता है। सीता खाना खाती है, यहाँ कर्ता की लिंग बदल गई तो वहाँ क्रिया की भी लिंग बदल गई, तो वहाँ खाता है यहाँ खाती है। तो जो कर्तृवाच्य में कर्ता की लिंग होगी उसी के अनुसार क्रिया अपना रूप बदलेगी, क्रिया का भी वही परिवर्तन होगा। कर्मवाच्य में उसी प्रकार, इसमें कर्म की प्रधानता होती है, कर्ता प्रधान न होकर कर्म की प्रधानता होती है एवं कर्म के अनुसार ही क्रिया अपना रूप बदलती है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पर राम पुस्तक पढ़ता है, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, ऐसे हो जाएगा, क्योंकि पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक कर्म है तो पुस्तक के अनुसार क्रिया बदल गई, इसलिए यह कर्म है। भाववाच्य में कर्ता और कर्म प्रधान न होकर भाव, क्रिया के भाव की प्रधानता होती है, उसे भाववाच्य कहते हैं। जैसे इसमें भाववाच्य में हमेशा पुल्लिंग एकवचन और अन्य पुरुष में होती है और इसमें जो क्रिया होती है हमेशा अकर्मक होती है इसमें। और जैसे इसमें हमेशा नकारात्मक यानी नहीं का भाव निकलता है। जैसे उदाहरण के रूप में बताया जाए, सीता से चला नहीं जाता, सीता से खाया नहीं जाता, उससे पढ़ा नहीं जाता, माली से माला नहीं गूंथा जाता, सब में एक वचन पुल्लिंग और अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग होगा, इन्हें भाववाच्य कहते हैं। बाकी हम आगे आपको क्लास में इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। थैंक यू क्लास।